नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जनता दल यूनाइटेड के नेता ललन सिंह यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कहीं न कहीं नीतीश कुमार के साथ संबंधों को लेकर चर्चा में हैं। वो संबंध जो आरसीपी सिंह के साथ कभी नीतीश कुमार का हुआ करता था, आज वो संबंध ललन सिंह के साथ है, यानी ललन सिंह नीतीश के खासम खास हैं। लेकिन अब बिहार में राजनीति में परिवर्तन होते रहता है, जैसे जैसे समय में बदलाव होगा सियासत बदलती रहेगी। और इसी बीच खबर निकलकर सामने आ रही है नीतीश से पंगा ललन सिंह को महंगा पड़ा है। दरअसल हम ललन सिंह बोलते हैं तो बिहार में बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। बिहार में दो ललन सिंह हैं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और एक मुकामा से चुनाव लड़ रहे ललन सिंह जो भाजपा में जा चुके हैं, पहले वो जदयू में थे। दरअसल खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छोटे ललन सिंह जो मुकामा से चुनाव लड़ रहे हैं उनको आश्वासन दिया था कि आने वाले दिनों में उन्हें मोकामा से टिकट दी जाएगी। लेकिन ललन सिंह ने नीतीश कुमार की बात नहीं मानी और कड़ा फैसला लिया भाजपा में शामिल होने का। और जैसे ही वो भाजपा में शामिल हुए, अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और ललन सिंह के बीच मतभेद, दोनों के बीच लड़ाई अदावत आप भी जानते होंगे, पिछले दो महीनों में कितना कुछ बदला है। अब ललन सिंह का वो संसदीय क्षेत्र है, आने वाले दिनों में ललन सिंह को वहां से सांसद का चुनाव लड़ना है। अगर ललन सिंह मुकामा वाले जो चुनाव लड़ रहे हैं वो विरोध कर देते हैं तो कहीं ना कहीं भारी नुकसान जदयू को होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को होगा। लेकिन इसी बीच खबर है कि अनंत सिंह के चुनाव प्रचार में उतरकर अनंत सिंह को मजबूत करने की बात ललन सिंह कर रहे हैं और ये वो नया पैतरा है जो कहीं ना कहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने चला है और मुकामा से विधायक ही लड़ रहे ललन सिंह को झटका दिया है। ललन सिंह कहीं ना कहीं मुकामा में अनंत सिंह से भिड़ेंगे और फैसला जो भी हो, लेकिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंगेर लोकसभा से जब चुनाव लड़ेंगे तो ये फैसला उनको करना होगा कि उनके समर्थन में ललन सिंह होंगे या अनंत सिंह। दोनों बाहुबली हैं तो उस क्षेत्र में एक बाहुबली को अपने पाले में रखना चाहेंगे ललन सिंह। हालांकि पुराने चेले रहे हैं अनंत सिंह ललन सिंह के, दोनों लंबे समय तक साथ रहे हैं, दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चा है। लेकिन जदयू से बाहर हुए मुकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह कहीं ना कहीं ललन सिंह के खिलाफ भी बयान देते थे और अब बड़ा हमला ललन सिंह का हो चुका है भारतीय जनता पार्टी वाले ललन सिंह पर। और कहीं ना कहीं ये चीजें भी स्पष्ट कर रही हैं कि आने वाले दिनों में अब बिहार में नए राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। उस हिसाब से मुंगेर लोकसभा सीट पर अनंत के मदद से ललन सिंह जीत पाएंगे, इसलिए कि जनता दल यूनाइटेड के जो तमाम लोग हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनसे लगातार चिढ़े हुए हैं, लगातार दोनों के बीच अदावत चल रही है, लड़ाई चल रही है। और अब खबर ये है लोकसभा चुनाव की तैयारी में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लग चुके हैं और इसकी तैयारी मुकामा से की है अनंत सिंह के चुनाव प्रचार में जाकर। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वाले ललन सिंह को बड़ा झटका है और उस क्षेत्र में अगर वो हारते हैं तो जदयू के लिए भी उनका रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386